हमारे मजहब के अंदर ये भी है, आदमी रात में जब सोता है, याद रखें, खास तौर पर ख्वातीन-ए-इस्लाम आप समय कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्तन कभी खुला ना रहे। इतनी सुस्ती हमारे अंदर। नबी का लफ्ज है, ख्वातीन मेरी बहनों, अल्लाह के लिए गौर से सुनो। घर की जिम्मेदारी के बारे में कल अल्लाह कयामत में आपसे सवाल करेगा। घर चलाने के बारे में अल्लाह आपसे सवाल करेगा। ये नहीं पूछेगा तुमने कितना कमाया है, ये जरूर पूछेगा घर कैसे चलाया है। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया यहां से लेकर जाओ इस लफ्ज को, अगर बर्तन नहीं मिल रहा है बंद करने के लिए, काड़ी रख दो, कम से कम क्या करो, काड़ी रखो, खुला मत रखो। अल्लाह अकबर। उस नबी के हम मानने वाले हैं, उस पैगंबर के हम मानने वाले हैं जिसने बर्तनों को बंद करने का हमें हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। और साथ में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह में जब उठते हैं, कितनी छोटी छोटी चीज का ख्याल हमारे मजहब में है, डायरेक्ट हाथ बर्तन में मत डालो, सीधे हाथ बर्तन में मत डालो। ये हदीस है बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नल में बना रहे हैं अलग बात है, अगर आप बर्तन में वजू बना रहे हैं, अल्लाह के नबी का हुक्म है पहले हाथ बाहर धो लो फिर अंदर हाथ डालो। इतनी छोटी सी छोटी चीज का भी हमारे मजहब में ख्याल रखा गया है।